चले फिर जतिन रेडी रेडी चलो तो हमारी ट्रिप हो चुकी है शुरू। हुर्रे क्या फिर क्या बोला आपने अभी कितने का आ गया भाई 4025 रुपए का डीजल डन। चलने के यहाँ कसौली छोड़ो कि यहाँ चलते हैं मनाली घूम के आ जाते हैं मनाली के रास्ते पेट्रोल बहुत हो गया। सबने जय श्री राम का नाम लिया जय श्री राम। तो अगर किसी को भी यहाँ से दिल्ली से कसौली जाना है तो उसको पहले यहाँ आना पड़ेगा कश्मीरी गेट, यहाँ से बस पकड़नी पड़ेगी और सीधा यहाँ डायरेक्ट बस नहीं है ना जो कसौली नहीं है उसके पास गूगल मैप ऑलरेडी होगा वो अच्छा ब्लॉग देख के नहीं बताएगा जिस पे गाड़ी नहीं होगी नहीं 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 वो पैदल जाएगा इसकी तरह यात्रा करके है ना घुट पैर सीधे करो तो दिमाग चलेगा वो पैर सीधे भी कर रही है ब्लाइंडली फॉलो करती हूँ ब्लाइंडली फॉलो कर रहे हो बेइज्जती कर रहे हो मेरी अच्छा तो चलो चलते पहुँचते हैं कसौली सुबह पहुँच जाएंगे ना 6-7 घंटे का रास्ता है अभी टाइम हो रहा है 12:30 बज के 26 मिनट हो रहे हैं सुबह 6 बजे या 7 बजे तक हम पहुंच जाएंगे कसौली। तो गाइस ट्रिप शुरू नहीं हुई अंकिता मुझसे पहले नाराज हो गई। फाइनली अभी हम पहुंच गए हैं पानीपत टोल पर ये अपना पानीपत टोल सेकंड टोल थक गया बताओ यार थक काहे को रहा है ये क्या कर लिया पानी अरे यार ना लिया वो ये पानी है कि कुछ और है गिरा लिया पानी पीता हूँ अच्छा रंगीन पानी कौन आता भाई इस वाले नीलकंठ में अज्जू भाई कौन अज्जू 008 इस वाले नीलकंठ पे हाँ जी भाई फुल ब्लॉग देखते हैं अज्जू भाई के आ गए अभी तो गलत में आ गए चलो भाई वापस चलो यहाँ से अब नहीं आएंगे भाई यहाँ पे हैं बेकार जगह है तो अभी ये हमारा है वॉशरूम ब्रेक आपने कर लिया साई आपने डन अभी हम पहुँच गए हैं करनाल पहुँच गए ना अभी हम पहुँच गए हैं करनाल और यहाँ से अभी कम से कम 3-4 घंटे और लगेंगे। फाइनली गाइस 4 टोल क्रॉस करने के बाद मेरे को अब पहाड़ दिखने लगे हैं पूरे और अभी हमारे 2 बंदे गायब हो गए हैं कहाँ चले गए वो दोनों। मैं थोड़ा सा सो गया था गाड़ी में मेरे को बहुत तेज नींद आ रही थी और 2 बंदे गायब हो गए तो हमारे 2 बंदे मिल गए हैं पंचर लगाते हुए पंचर की दुकान में बैठे हैं इन दोनों को पंचर का काम मिला है यहाँ पर। अंकिता की यहाँ भी चल रही है सुबह सुबह मीटिंग और ये हमारे सारे शेर सो रहे हैं ट्रक आ रहे हैं रॉन्ग साइड तुम्हारी ऐसी की तरह यहाँ पे चल रहे स्नैप और ये कुछ पहाड़ों का ऐसा व्यू अपने पहाड़ आ गए हैं। फाइनली हम हिमाचल प्रदेश में एंटर कर चुके हैं गाइस आर यू ऑल एक्साइटेड अभी अंकिता की मीटिंग चल रही है इसलिए कोई ज्यादा शोर नहीं मचा रहा। हिमाचल एंटर करने के बाद आपको एक ग्रीन टैक्स देना पड़ेगा कितने रुपए का भैया 50 रुपए का ग्रीन टैक्स कंपलसरी लेना ही पड़ेगा उसके बाद आप फाइनली एंटर कर सकते हो हिमाचल में। तो हम वादियों में तो एंटर कर चुके हैं और जतिन कितना टाइम रह गया भाई 25 मिनट ओ जतिन सो गया कह रहा था मैं सोऊंगा नहीं पूरे रास्ते दिखा दो तेरा इसको भी दिखा दो कैसे सो रहा है बाद में बोलेगा कि देखो मैं सोया नहीं था और हमने सनरूफ कर दिया अपना ऑन अंकिता जाएगी अभी सनरूफ से बाहर क्या है देखो लैंडस्लाइड हो गया गाइस लैंडस्लाइड हो गया यहाँ पर रोड ही खत्म हो गई बात बताऊं नेचर के साथ खेलोगे ना तो
नेचर भी खेलेगा बेटा, मत खेलो नेचर से, दिखा दिखा हुआ है, दिखाओ लैंडस्लाइड देखो, तो देख ले राइट में गिर जा नीचे। फाइनली हम कसौली तो पहुंच गए थे और ये एक प्रॉपर्टी है, तो हमने सोचा पहले इसी में देख लें, पता कर लें। और ये अपनी गाड़ी खड़ी है, अभी थोड़ा गाड़ी ज़्यादा हीट हो गई थी तो मैंने उसका बोनट ओपन कर दिया। और यहाँ का व्यू भी मेरे को अच्छा ही लग रहा है, तो होपफुली हम इसी प्रॉपर्टी में स्टे करेंगे। आई लव कसौली, देखो यहाँ से व्यू को भाई साहब। तुम्हें मैगी की पड़ी है यहाँ पर बोल रहे हो, ठंड 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 और यहाँ पे धूप निकल गई। तस्वीर बिठाने के लिए होटल नहीं मिल रहा है, तस्वीर बिठाने के लिए गर्माहट मिल रही है। वो इनसे पूछ ले आंटी होटल कहाँ है, जतिन उस लड़के से कैसे पूछ रहा होटल कहाँ है, कैसे पूछ रहा, गुस्से में पूछ रहा। वो बता रहा है कि तू ये बताऊं फिर अभी तेरे को, मैं दिल्ली से हूँ भाई, नींद में था यार मैं, किडनैप कर लूंगा, गाड़ी में धर लूंगा। गुस्से में कसौली है ये क्या, कसौली अब यहाँ से कितना किलोमीटर रह गया हुए भाई, आराम से क्यों नहीं आ रही है सब, भाई आराम से आ जाओ, डर लग रहा, नई गाड़ी है भाई, भाई पहला गेयर तो बीबी भी है, नई बीबी बिठा के लाया हूँ साथ में। तो पहाड़ों पे गाइस ये ट्रक और बस फंस गई है, अब पता नहीं हम कैसे निकलेंगे, दोनों पप्पियां कर रही हैं, अंकल जी मुआयना करते हैं, जाने पड़ेगा चलाने मेरे को, क्या करें, ये देखो मुंह, हाय हाय, पूरी रात सो के आई है फिर भी अभी पूरी योनिंग योनिंग योनिंग, क्या खानी है, मैगी खिला दे मन्ने, थोड़ा बाहर निकलना गाड़ी, उतरो उतरो तुम सनरूफ से बाहर निकलो, ट्रैक करते आओ दीदी वहां से, भाई कहाँ आ रहा भाई, और मैंने जैसे शीशा बंद करा मेरे को चांद दिख गया, चलो शीशा सोया सोया चांद, अरे खुल की नहीं रहा मेरा शीशा, पता नहीं है इनको अभी कि मैं, अरे खुल ही नहीं रहा शीशा। वेलकम टू कसौली कंटेनमेंट, अरे लड़ने लगते है भाई, दिल्ली वाले है, दिल्ली से है, दिल्ली से अभी खिलाया दीदी को मैगी, मैगी खाओगे, मैगी खाओगे, ये क्या होता है हिंदी में बताओ, अभी खिलाऊंगा, अभी खिलाऊंगा हिंदी में बताओ, नोजी आ रही है, चक्कर चक्कर, अच्छा चक्कर आ रहे हैं, अभी खिलाई तो मैगी खाने से, अरे मैगी खाने से चक्कर चक्कर थोड़ी ना जाएंगे, देख रहा हूँ कहीं से भी आ जाती है गाड़ियाँ, मेरी जैसे दिखने वाले लोग मेरे भाई बहन आए हैं, तुम्हें बोल रहा होगा मुझे तो नहीं बोलेगा, भाई काय को हॉर्न मार रहा है पीछे से बार बार, यार मैं परेशान हो रहा हूँ, दिखा हुआ नो हॉर्न फिर भी हॉर्न मार रहा है, जा भाई तू जा पहले, हॉस्पिटल ही भेज, जा भाई तू जा पहले भाई, ओ आंटी देख के भैया चलना, टेप लगाओ इनके मुंह में, क्या कर रहे हैं लोकल से फालतू बोल, ये सब लोकल से पंगा ले रहे हैं दोनों पीछे बैठ के, साई और ये जतिन मजाक उड़ा रहे हैं, मुंह पे हंस रहे हैं, सर को संभाल, घोड़ा गया के घोड़ा, मिलिट्री वालों से भी पंगे ले रहे हैं, मिलिट्री वाले तो फिर भी छोड़ देंगे, अरे जतिन क्या हुआ, क्या पूछा तेरे से, क्या पूछा तेरे से, मैंने बोला मैं तो कचलीस टॉप लाई हूँ ठंड हो रही है, तो जतिन कहता है कचलीस क्या होता है, सा कह रहा है कचलीस, तो जतिन ने क्या बोला बताओ, क्या होता जतिन कचलीस, आधी बाजू पूरी बाजू नंगी, अबे यार ये देखना
ये बेइज्जती कर रही है यहाँ पर मौसम की, ठंड हो रही है, ठंड कहाँ से हो गई, जितनी ठंड लग रही है। अरे ना रूम तो मिल नहीं रहा, तो अंकिता को भूख लग गई तो मैगी खा लेते हैं। हैं आपको मैंने कहा था पहले रूम बुक कराने को। ओहो तुम नहीं कर सकते थे, चिरा गाड़ी भी चलाया रूम भी बुक करे। रूम तो मिले नहीं यहाँ पर चैल की मेन मार्केट में। अब हम जा रहे हैं नीचे, नीचे देखते हैं कहीं रूम मिल जाए तो। अंकिता इज वेरी अपसेट, अब आओगे और अंकिता चैल। नो सॉरी I was upset earlier, but अभी तो मैंने मैगी खा ली तो मुझे बेटर फील हो रहा है। जल्दी बोलने का है। मुझे डिजी फील हो रहा था बहुत ज्यादा, तो मैं 60% बस फिर अब बेटर फील हो रहा है मैगी खा। चलो पकाओ मत, पल पल के लिए निकलना है। खूबसूरत कसौली, पहाड़ों पे आओ और भुट्टे ना खाएं, ऐसा कभी हो नहीं सकता है अंकल। ये लो सर, एनीथिंग एल्स तो है, अभी आपके लिए ताजा बना के लाए हैं सर। सबको आ रही है नींद, रूम हमें मिल नहीं रहे हैं। अंकिता तो रात से सो रही है, अभी भी सो ही रही है। अंकिता के मजे हैं भाई कसम से, गाड़ी में अंकिता ने गाड़ी ली इसीलिए है कि ये सो पाए कहीं भी जाए। खाओ पियो ऐश करो, इसने तो डरा दिया। मैंने कहा पता नहीं कौन सा जानवर आ गया भाई। चलो अच्छा सही बताओ, सो रही है बस तब भी बोल रही चलो यहाँ पे गाड़ी चला चला के चूड़ियां बनी चूड़ियां लपेट रही आपस में ही। तो फाइनली इतने स्ट्रगल के बाद मेरे को एक ये 2BHK फ्लैट मिला है, जिसमें हमें एक किचन मिली है बहुत ही शानदार, ये डाइनिंग टेबल, ये सोफा रूम, एक रूम ये है इसमें अभी साई नहाने गया हुआ है, और दूसरा रूम ये है पूरा मैस्ड अप कर दिया है जतिन ने। जतिन क्या कर रहा है तू उस रूम में? और ये हमारा बालकनी का व्यू, वाओ। और ये दो मैडम बैठी हुई हैं यहाँ पर, व्यू का मजा ले रही हैं। ये देखो बहुत ही बढ़िया, और मौसम ओए होए ओए होए, मौसम तो लाजवाब। क्या आपका फेवरेट है ये, कुछ इसको खाना अच्छा लगता है, चिराग ऐसे बोलता है ओए होए ओए होए, मजा भाई। अच्छी चीज को तो ओए होए ओए होए बोला जाएगा ना, अपने आप ऑन हो गया। तो बहुत अच्छी प्रॉपर्टी मिल गई बहुत ही मेहनत के बाद, 2 घंटे बहुत मेहनत करी हमने, पूरी ड्राइव करी, गाड़ियां फंसाई हैं बहुत अच्छी, छोटी छोटी गलियों में गाड़ियां फंसाई है, उसके बाद ये बहुत ही बढ़िया प्रॉपर्टी मिली है। और भाई एक चीज और बता दूं, यहाँ बंदर बहुत है, अपना सामान बचा के रखना। फाइनली अब जा रहे हैं बाहर, और हम 2-3 घंटे बहुत सोए हम, क्योंकि रात भर उठे हुए थे तो बहुत नींद आ रही थी। एंड दिन में हमने बहुत अच्छा सा खाना खाया, बहुत हैवी लंच किया बिकॉज वी स्किप्ड ब्रेकफास्ट। सो फाइनली अब हम बाहर जा रहे हैं, अभी का क्या प्लान है हमें नहीं पता। और ये है मेरी कैंडिड फोटोग्राफर, मैंने चिराग को थोड़ा गुस्सा कर दिया था, मैंने उसे डांट दिया था और वो मुझसे नाराज़ होके बैठा है, तो मैं आपको सब शूट करके दिखाऊंगी कि मैं उसे कैसे मनाती हूँ और वो कितना स्टबन है। लाइक वो दिखता बहुत ज़्यादा स्वीट है लेकिन उसको बहुत मनाना पड़ता है। बहुत बड़ी गलती कर दी ट्रिप पे आके, मैंने चिराग पे गुस्सा कर दिया, और चिराग को बिल्कुल पसंद नहीं जब मैं उस पर गुस्सा करती हूँ चिराग, तो मुझसे वो बहुत नाराज हो जाता है और उसको बिल्कुल नहीं पसंद कि मैं उससे ऐसे चिड़चिड़ करूं या मैं उस पर शाउट करूं। तो आप देखो मैं उसे कैसे मनाऊंगी पूरी ट्रिप पे, और मुझे कितना परेशान करेगा। देखा देखा कैसे मुंह बनाया उसने, दैट्स हिज रियलिटी। ये देखो मैंने कहा चिराग हम ऐसे नाराज हो, रियलिटी का चिल्लाओगे तो गुस्सा नहीं आएगा। देखो पर मैं इतनी प्यारी भी तो हूँ, एक तो बैग भी टांग के चल रहा तुम्हारा, मैं नहीं मैं टांग के तुम्हें डाल लेती पर मैं प्यारी नहीं हूँ, मैं क्यूट भी तो हूँ ना, कभी कभी तो चिल्लाती हूँ बस। सॉरी कान पकड़, देखो गाइस सब्सक्राइबर्स आप सबके सामने कान पकड़ के सॉरी बोल रही हूँ, मेरे अंदर बिल्कुल ईगो नहीं है। चलो मैं करके दिखाती हूँ, पकड़ो पकड़ो तुम शूट करो। नहीं करना नहीं करना, करूंगी मैं, कुछ नहीं करना। ये मुझे सेटअप्स पे करवा दे जब मैं गुस्साती हूँ तो। जो भी
मैं बचपन में हॉकी प्लेयर था। You will also join ना? ये हंसी वादी यार, ये खुला। ये नहीं आता मुझे। मैं तो वो कहे। तो हम पहुंच गए थे अभी पार्किंग में। स्मार्टनेस ओवरलोडेड। चलें। पार्किंग पॉइंट पर हमारे सामने चर्च है, सबसे पुराना। पहले चर्च ही चलते, मैं आज तक गया भी। डिम्सम्स खाएंगे हैं, डिम्सम्स। हाँ। चलो फिर मोमोज एक्सप्लोर करते हैं मार्केट। अरे गाड़ी को लॉक करी नहीं, सनरूफ वनरूफ सब खुला हुआ है। तो फाइनली हम सब पहुंच गए हैं चर्च में। ये 18 सेंचुरी का चर्च बना हुआ है, बहुत पुराना चर्च है यहाँ का। आओ चलो अंदर एक्सप्लोर करते हैं। मैं आज तक चर्च में गया नहीं। आप में से कोई गया चर्च? ये हमारी फोटोग्राफर हम लेके आए हैं। हमारा बजट इतना हाई हो गया कि हम फोटोग्राफर लेके चल रहे हैं। हमारे व्लॉग इतने अच्छे जा रहे हैं कि हम एक फोटोग्राफर लेके चल रहे हैं। हम चर्च तो घूम लिए, फर्स्ट टाइम गया था मैं चर्च, अच्छा लगा। शांत फालतू हो गया। तो अब हम जा रहे हैं मोमोज खाने, अंकिता को भूख लग रही है। फाइनली हम अब यहाँ पर खाएंगे थोड़ा सा कुछ टेस्ट ऑफ तिब्बत में। नाउ वी आर ईटिंग दिस क्रंचियस, क्या बोलते हो इंग्लिश में? क्रंचियस, बट इट्स नॉट क्रंची। Crumptious chili sugar. चिकन टुक्का। जतिन खाएगा चिकन टुक्का थोड़ा सा? आप? मैंने ऑर्डर किया। खाओगे? तो अंकिता को तो लग रही थी ठंड बहुत ज्यादा, क्योंकि अंकिता ज्यादा ठंड सहन नहीं कर पाती। तो मैंने बोला चलो आज अंकिता को पिलाता हूँ वेज टुक्का। कैसा लगा अंकिता तुम्हें वेज टुक्का? बहुत ज्यादा है, बहुत गर्म है और फ्लेवर बहुत टेस्टी है, जिसकी मुझे सख्त जरूरत थी इस ठंडे मौसम में। कहाँ पर रुकवा देंगे? रुकवा देंगे गाड़ी ऊपर से जाएंगे ना। अच्छा गाड़ी तो, हाँ गाड़ी तो थर्ड फ्लोर पे है। पहाड़ों पे कर लेना। ये कौन सी नई डिमांड आ गई तुम्हारी? डिमांड नहीं है ये, मैंने तुमसे बोला तुम्हें लेना। आई सेड मुझे पहाड़ों पे घर लेना है। एक ही तो बात हुई, एक ही तो बात। दिल्ली में घर ले नहीं पा रहे हैं, ये पहाड़ों पे लेंगे। पहले तुम थार लो, पहले थार लो। अंकिता की अचीवमेंट बता दिया ना। यूनिवर्स लिसन टू मी। मैं चाहती हूँ कि एक बहुत सुंदर सा पहाड़ों पे घर लूं और हम कभी कभी वेकेशन मनाने जाएं पहाड़ों में, सुंदर सा घर। लेकिन पहले तुम थार लो, जो तुम अभी तुमने कुछ अचीव किया लाइफ में। थार, मेरे लिए ले लो। गिफ्ट गिफ्ट की एक्सपेक्टेशन बढ़ गई है और जब मुझे कुछ भी मिलेगा तो मैं सुनूंगा। ओह नो, ओह नो, ओह नो, 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 नो।